आदरणीय प्रधान आचार्य, प्रिय शिक्षकों, सभी मित्रों को मेरे नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। आजादी के बाद देश में एक बड़ा सवाल भाषा का लेकर था। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने का कहा था और 14 सितंबर 1949 में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर दिया। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखा गया भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भाषा को अराज्य भाषा होगी। भारत के अलावा हिंदी भाषा नेपाल, फिजी जैसे अन्य देशों में भी कहा जाता है। हिंदी दिवस दुनिया भर में हिंदी भाषा को संस्कृति को बढ़ावा देने और फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, दावतों, प्रतियोगिताओं और विभिन्न प्रकार के उत्सवों के द्वारा इसका महत्व प्रदर्शन किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाओ मैं हिंदी पिवारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। रस कान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर मित आरती उतारे। सुरानित मैयारी मैया पुतारे, महिमा पढ़ाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाओ मैं हिंदी पिवारी। इसकी दीवानी सभी ज्ञानी भलीदानी, मेरा केस में मुगर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है पखानी, गांधी और नेहरू है इसकी पुजारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाओ मैं हिंदी पिवारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाओ मैं हिंदी पिवारी। धन्यवाद। नमस्कार। आज 14 सितंबर है
जिसे हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रचार देना और उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अंग्रेजी की अध्यापिका होकर हिंदी के बारे में क्यों बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे हिंदी से बहुत लगाव है। मेरा मानना है कि हर भाषा की अपनी सुंदरता होती है और उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं उस भाषा में लिखने वाले कवि, लेखक, गीतकार आदि। आज इस अवसर पर मैं आपके सामने हिंदी के प्रशस्त कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस कविता में कवि हमें बीते हुए बातों को भुलाकर आगे बढ़ने को कहते हैं, क्योंकि जो बात घट चुकी है उसके बारे में सोचना व्यर्थ है, क्योंकि वह हमें सिर्फ दुख ही दे सकते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, पर डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, फिर टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुकर फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मधुरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद।
की सलोनियति सुखड़ सुखाखी तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी बंगला असमिया सभी की सहपा।